ट्विस्ट यही देखने को मिलेगा, मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक कि क्रिश सगाई करेगा या नहीं करेगा। उस वे में एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि मैं उनकी बहू बनने के लिए तैयार हूँ, मैं उस वे में एक्सेप्ट करती हूँ कि वो बड़ी हैं और मैं उन्हें बड़ी माँ बुलाती हूँ। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। एक्चुअली आप लोगों को जो ट्विस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं और जो देखने वाले मतलब आगे के लिए देखने मिलने वाले हैं, लाइक कि अभी हम लोगों का जो सीक्वेंस चल रहा है वो ये है कि शांति मैम बिंदिया को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हैं और उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सैम बिंदिया से प्यार करता है और कहीं ना कहीं बिंदिया भी कहीं ना कहीं उसके दिल में भी कुछ है, क्योंकि वो मुझे नेकलेस देती है एंड मैं पहन लेती हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बट मैं उस वे में एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि मैं उनकी बहू बनने के लिए तैयार हूँ, मैं उस वे में एक्सेप्ट करती हूँ कि वो बड़ी हैं और मैं उन्हें बड़ी माँ बुलाती हूँ, तो एक माँ के तौर पे मैं वो हार एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बट ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सो बस यही सीक्वेंस चल रहा है अभी। देखो अप्स एंड डाउन तो सबकी लाइफ में चलते ही रहते हैं और बिंदिया ऐसी है कि बिंदिया के पास कितना भी पेन हो, कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो जाए, बट वो अपनी फैमिली को नहीं दिखाती, राइट? सो अभी वही सीक्वेंस चल रहा है कि उसकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आ रहे हैं, जैसे क्रिश को लेके पायल ने उसके साथ, उसकी सगी बहन ने उसके साथ ऐसा किया, फिर अभी सैम आया तो सैम के साथ भी काम करने के लिए तैयार नहीं थी, बट कहीं ना कहीं बाबूजी ने बोला है और वो अपने बाबूजी को अपने बाबा जैसे मानती है, सो उसके वजह से सैम के साथ भी तैयार हो गई काम करने के लिए। फिर सैम के साथ जब तैयार हुई तो पता चला कि क्रिश भी हमारे साथ काम करेगा, तो लाइक उस टाइम पे बिंदिया मतलब एक ऐसी हो जाती है कि मतलब अम्मा और बाबूजी ने हमारे साथ ऐसा किया, बिकॉज वो बहुत हर्ट हो जाती है क्योंकि बाबूजी और अम्मा ही है जो बिंदिया को सारी चीज़ें बताते हैं और बिंदिया की सारी चीज़ें मतलब बिंदिया अपनी चीज़ें सारी अम्मा और बाबूजी को ही बताती हैं, सो उन्होंने उस टाइम पे मुझे बताया नहीं, सो वो टाइम मतलब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। और बाकी फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो भी रहता है ठीक है, सब चलता है धीरे धीरे। सो अभी क्रिश मैं और सैम मिलके अभी काम कर रहे हैं खेती में, लाइक जो भी है, बट ज़्यादा हम लोग सैम और मैं ही करते हैं क्योंकि क्रिश ज़्यादा यहाँ रहता है, तो बस यही सीक्वेंसेस चल रहे हैं, बाकी मज़ा भी आ रहा है। और एक्चुअली ट्विस्ट तो ये है कि ट्विस्ट यही देखने को मिलेगा, मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक कि क्रिश सगाई करेगा या नहीं करेगा, तो ये चीज़ अभी तक मुझे भी नहीं पता चली, जब मैं सीन करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि ऐसा भी, किस हम लोगों को अभी सीन भी नहीं दिया गया है, तो बाकी मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो सीन करने के लिए कि मतलब क्या करेगा, क्योंकि और बिंदिया भी क्या करेगी, क्योंकि बिंदिया हार वो जो हार दिया है वो पहनकर आएगी कि नहीं आएगी, क्रिश सगाई करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको देखना कब पड़ेगा सुहागन ओनली ऑन कलर्स टीवी पे 6:30 बजे।